कॉलिजन थ्योरी। भाई मैं और मैक्सवेल बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में आया, भाई मैक्सवेल क्या बता सकते हो आप कि अपन जहाँ जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पर कितनी कॉलिजन पर सेकंड में हो रही है। उसने कहा हाँ बता सकता हूँ। मैंने कहा भाई कैसे कैसे बता पाओगे यार, इतना टफ कहाँ। उसने कहा भाई मैं एजम्पशन मानता जाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सपोज ये पार्टिकल है, कौन सी वेलोसिटी लोगे इसको बाय डिफॉल्ट? एवरेज। मैंने कहा एवरेज लूंगा। ये पार्टिकल गया सीधा, ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी करेगा? मैंने कहा निकाल लूंगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, डिस्टेंस आ गई। उन्होंने कहा इस सेकंड के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पार्टिकलों को देख लो, वही कोलिजन हो जाएगा। मैंने कहा पार्टिकल कैसे निकालूंगा, इस एरिया में कितना आएगा? उसने कहा एक काम करो, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल कर दो, वी बाई एन ए, जो भी एन पार्टिकल है वो कर दो। तो इससे क्या आ जाएगी, पार्टिकल डेंसिटी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में इतने, और इसका जो वॉल्यूम कवर्ड हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो सारे पार्टिकल एक जितने इस एरिया में आएंगे, इस वॉल्यूम में आएंगे, वो सब हो जाएगा। मैंने कहा यार ये इंटेलिजेंट बंदा है, अपने लेवल का आदमी है, ठीक है। तो उसने कहा ये आपका पार्टिकल है, ये गया इस तरह, सेकंड, 1 सेकंड में हो गया डेरिवेशन, कुछ करना ही नहीं आपको, पहले समझ लो। तो ये पार्टिकल गया सीधा इधर, तो जो पार्टिकल इससे इस रेंज में है वो क्या कोलाइड करेगा? हाँ करेगा, पता है कैसे? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पार्ट इस रेंज में आ जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल यहां है वो नहीं करेगा। यानी ये जो आ रहा है ये अपने से डबल एरिया कवर करता हुआ चलेगा आगे, उतना ही नहीं, अगर उस बीच में आ गया तो कॉलिजन सामने होगी ऐसी वाली प्यारी वाली, लेकिन अगर ऊपर रहा तो ऐसी वाली हो जाएगी, ये भी कॉलिजन में काउंट होगी, टच करती हुई भी कॉलिजन काउंट होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 2R, एटम की रेडियस 2R, कोई डाउट ही नहीं है, खटाखट हो गया। तो बोलो यस और नो। तो किसी ने मेरे से पूछा यहां से यहां तक का एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कॉलिजन वॉल्यूम जहां ये कर रहा है, कॉलिजन वॉल्यूम कितना होगा? मैंने कहा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। वेलोसिटी कितनी नहीं है, यू एवरेज लोगे बाय डिफॉल्ट, और एरिया कितना लोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2R। बेटा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, ठीक है। रेडियस यहां से लेके यहां तक अगर आप बात करते हो तो रेडियस ये होती है आर प्लस आर, कितनी हुई, 2R। रेडियस निकाल रहे हो ना सिलेंडर की, 2R इधर 2R इधर। अब यहां से थोड़ी ना देखोगे, वो देखो ये ऐसे होगी, ये एक सेंटर ये एक सेंटर, तो कितनी डिस्टेंस हुई यहां से यहां तक, 2R हो गई बस, सेंटर बस, उससे ऊपर नहीं होगी वो पक्का। तो यहां मेरे पास 2R की जगह मैं क्या लिख दूं, डी लिख देता हूं, डायमीटर हो गया। तो ये मेरे पास हो गया पाई डी स्क्वायर, तो मेरे पास तो हो गया, ये तो बहुत इजी है, यू ए वी, यू ए वी पाई डी स्क्वायर। और ए डी की वैल्यू भी कितनी है मेरे को याद है, कितनी होती है, बाद में रखेंगे, खत्म बस बाद में रखेंगे, पाई डी स्क्वायर यू ए वी, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। इन सबसे कॉलिजन करेगा वो पक्का, कोई डाउट? लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया, भाई एक काम कर, ये बता कि तेने यूएवी क्यों लिया, यू भाई उसकी यूएवी क्यों ली? उसने कहा देखो मुंह कर रहा है यही लूंगा मैं। मैंने कहा यार नहीं यार गड़बड़ है यार, तेरे को ज्यादा लेनी चाहिए। उसने कहा क्यों, देख तू मुंह कर रहा है तो क्या ये वाला मुंह नहीं कर रहा, तो तेरे को ज्यादा लेनी चाहिए। तो उसने कहा 2 UAV ले लेता हूँ। उसने कहा वो भी गलत है, 2
तुम में जरूरी थोड़ी ना है कि एक दूसरे के सामने आ रहे हो सकता है वो ये 180, हो सकता है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, 0 से 180 डिग्री। तो उसने क्या 90 ले लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है एवरेज, ना तेरी ना मेरी, 0 से लेके 180। तो कॉलिजन वॉल्यूम जो बनेगा एग्जैक्ट वो ये बनेगा, जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट 2 UAV मल्टीप्लाई बाय पाई डी स्क्वायर। ये क्यों लिया जा रहा है, इसका रीजन ये कि ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास जो आ रहे हैं ना, ये 180 से कहीं पे भी आ सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने 90 दे दिया, और जो दो पार्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पे आते हैं तो उनके एक दूसरे के पास आने की वेलोसिटी यूएवी नहीं होती, कितनी होती है √2 UAV, √2 UAV। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, मान लिया ये है तो ये एक दूसरे के पास आने की वेलोसिटी क्या होगी, छोटी सी मैथ से, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितनी फिजिक्स आती है या नहीं आती, लेकिन इतनी तो आनी चाहिए अगर आपने वेक्टर ढंग से पढ़ा है तो, कोई डाउट नहीं है दोनों की यूएवी। तो ये आपके पास आ गया कोलिजन वॉल्यूम। अब कोलिजन वॉल्यूम आया है, अभी इसमें कितने पार्टिकल है वो थोड़ी ना आया है, तो आप पार्टिकल डेंसिटी अलग निकाल दो। पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा, एन डिवाइडेड बाय वी, एन डिवाइडेड बाय वी कैसे निकालोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एन इक्वल टू एन बाय एन ए आर टी। तो मेरे लिए एन बाय वी कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा पी एन ए बाय आर टी हो जाएगा, इसको बोल सकता हूं एन बाय वी, और इसी को बोल सकता हूं एन स्टार। तो एन स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है अब हमारे पास, पी एन ए बाय आर टी। तो कॉलिजन क्या होगी, कॉलिजन बाय वन मॉलिक्यूल, बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितने कर, बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, √2 UAV पाई डी स्क्वायर एन स्टार, और एन स्टार की वैल्यू है पी एन ए बाय आर टी। मैंने ऑन द स्पॉट डिराइव कर लिया, कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में। ये आपका कॉलिजन आ गया फ्रीक्वेंसी जेड, इसको जेड से शो करेंगे, Z1 या Z से रिप्रेजेंट कर दो 1 सेकंड के लिए। लेकिन किसी ने कहा ये तो एक पार्टिकल ने कॉलिजन करी है, तो कमरे में टोटल कॉलिजन कितनी होती है। मैंने कहा बहुत आसान है, एक पार्टिकल ने इतनी, तो कितने पार्टिकल है वो देख लो आप, और थोड़ा सा ध्यान रखो टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल लिखा रहता है ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी पहले ये लिखो, फिर उसके बाद समझाता हूँ। बाकी हो गया खत्म टॉपिक, चलिए ठीक। तो ये तो हमारे पास हुआ कॉलिजन, कॉलिजन बाय वन मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कॉलिजन इन यूनिट वॉल्यूम बाय ऑल पार्टिकल बाय, लेकिन बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम है, पार्टिकल कहाँ लिखा आपने, ये भी तो नहीं लिखा, एक पार्टिकल है। तो ए ने बी के साथ कॉलिजन करी, बी ने ए के साथ करी, तो कॉलिजन कैसे निकालोगे, कॉलिजन हो जाएगी समेशन ऑफ पार्टिकल कॉलिजन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए बी के साथ करे, बी ए के साथ करे, कॉलिजन ए की काउंट होगी। तो कैसे निकाले, एक पार्टिकल ने कितनी करी थी Z1, कितने पार्टिकल हैं टोटल, एन स्टार डिवाइडेड बाय 2। कोई मेरे को बता सकता है Z1 की वैल्यू क्या थी, √2 UAV पाई डी स्क्वायर एन स्टार, फिर एक बार और एन स्टार है ना, अपॉन 2, खत्म हो गया, यही है फॉर्मूला। अरे वाह बहुत इजी है, हो गया ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एक और आता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इसको हम बोलेंगे लैम्डा एम। क्या है, ये पार्टिकल है, इसने कॉलिजन करी तो अपना पाथ चेंज करेगा, फिर ये पाथ चेंज करेगा, फिर ये पाथ चेंज करेगा, ऐसे करेगा। तो मान लीजिए दो सक्सेसिव कॉलिजन में पहले लैम्डा 1 थी, फिर लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4,
लैम्डा 5, लैम्डा 6, ऐसे कंटिन्यू है। मुझे क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ का मतलब हो गया लैम्डा 1 से लेके जितने भी लैम्डा हैं वो एक सेकंड में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन बाय पार्टिकल। तो इसका फॉर्मूला बनाना तो बहुत ही आसान हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो गया एम। तो क्या होगा, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा जो भी लास्ट है एक सेकंड के अंदर वो किसके इक्वल होगी, यू ए वी। क्यों भाई, एक सेकंड में इतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूएवी, कोई भी पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूएवी। पक्का टकराया फिर पीछे आएगा, वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज हो रही है, फिर प्रॉपर्टीज वही रहेगी। तो अपन ये मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं और ऑल यूएवी रहेगा। डिवाइडेड बाय कितने कॉलिजन कर रहा है बाय पार्टिकल एक सेकंड में, जेड वन, ये रही जेड वन की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लोगे आप, मैं करता हूं। चलो यू ए वी की वैल्यू तो यू ए वी रखो आप, जेड वन की वैल्यू रखो रूट टू पाई यू टू यू ए वी पाई डी स्क्वायर एन स्टार। यू ए वी से यू ए वी कट गया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय रूट टू पाई डी स्क्वायर, डी यहां पर डायमीटर है एन स्टार। सो इजी, तीनों फॉर्मूले तैयार हो गए आपके, बस खत्म बात। यही है कि आपसे पूछा क्या जाएगा, आप सोचो एक मिनट, पूछा क्या जाएगा आपसे पूछ। तो ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 0.1% चांसेस है, पक्का मैक्सिमम। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें एम की वैल्यू आएगी, मोलर मास आएगा गैस का, हाँ यूएवी में आएगा। डिपेंड ऑन एमडब्ल्यूटी, क्या ये डिपेंड करेगा, हाँ इसमें तो आ ही रहा है यूएवी, डिपेंड्स ऑन एमडब्ल्यूटी, क्या ये डिपेंड करेगा, नहीं इनडिपेंडेंट, यानी कि देखा जाए सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो भले अमोनिया गैस लो या N2 लो या O2 लो, मीन फ्री पाथ सेम रहेगा। तो इनडिपेंडेंट, ऑन एमडब्ल्यूटी, पहला पॉइंट क्लियर है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा भी याद हुआ तो काम चल जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, समझ में आ गई बात। दूसरा मैं ये देख रहा हूं Z1, चलो मोलर मास सबके लिए कॉन्स्टेंट है मान लिया, एक ही गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो यूएवी में टेम्परेचर आता है या नहीं आता, आता है, कहां आता है, रूट में। और एन स्टार क्या है, पी एन ए अपॉन आर टी, आर भी कॉन्स्टेंट है, तो मेरे लिए जेड वन किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये आर भी कॉन्स्टेंट है, पी अपॉन रूट टी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर पी कॉन्स्टेंट है तो जेड वन ये कब, और ये कब, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गई गणित। यहां आपके पास क्या आएगा, जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल है, रूट टी तो इसका आएगा ही आएगा, पी स्क्वायर बाय, तो खत्म। तो मेरे लिए तो ये जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल है, तो जेड वन वन प्रोपोर्शनल 1 बाई टी की पावर 3/2, जेड वन वन प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, ये तो तब जब पी कांस्टेंट है, ये जब जब टी कांस्टेंट है। अब बात आती है इसकी एन स्टार की, लैम्डा एम की, लैम्डा एम एन स्टार नीचे टी बाय पी, खत्म बात। तो जेड नहीं लैम्डा एम, ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोपोर्शनल टी लैम्डा एम प्रोपोर्शनल पी, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है,
और जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो मैं सचिन से पूछूंगा, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा? एक सेकंड के लिए तो देख, करने का तरीका एक बताऊं तेरे को, बहुत आसान। टी तो लिखी थे, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो पी किसके प्रोपोर्शनल होता है? टी के। तो पी की जगह भी टी लिख दे, टी से टी कट गया, कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट आ गया। पी की जगह टी लिख दिया करो। जैसे यहां अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आ गया तो जेड वन क्या लिखेगा? पी रूट पी। और पी की जगह टी लिखा जा सकता है, यानी रूट टी या रूट पी आ सकता है। वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, यहां अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल होगा? मेरे ख्याल से पी की जगह टी, टी की जगह पी लिख दिया। अंडर रूट पी ही आएगा, क्योंकि जैसे ही तेने यहां पर टी की जगह पी रखा, रूट पी बचेगा और पी की जगह टी लिख सकता है। करो।